हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ी, जो कि बिल्कुल अलग रेसिपी है, आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे से, वो भी मटर की खस्ता कचौड़ियाँ। आप ये देखिए, इसमें कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट बन जाती है और बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती है। मैं इनको अधिकतर नाश्ते में ही बनाती हूँ, स्नैक्स के तौर पे। आप इसको चाहें तो डिनर में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ ले लेंगे 1 कटोरी हरे मटर, 4 से 5 हरी मिर्च, 8 से 10 कली लहसुन की, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी काली मिर्च, जीरा और थोड़ा सा नमक। इन सभी का दरदरा पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। लग रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया दरदरा सा। तो इसको अब हम पैन में इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो ये गीला सा है ना, अगर इस तरह से हम कचौड़ियाँ भरेंगे तो वो ढंग से भर नहीं पाएंगी और निकलेगा आटे में से और फटेंगी भी। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ड्राई, बिल्कुल इसमें कोई भी ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पैन में डालकर और चलाते रहेंगे जब तक ये इकट्ठा ना हो जाए। जैसे ही इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी देखिए बिल्कुल पतला सा है ये बैटर, तो इसको ऐसे नहीं भर सकते आटे में। अगर आप इसको ऐसे ही भरेंगे तो कचौड़ियाँ फटेंगी और अच्छे से भरने में नहीं आएगा। ऐसे ही आप चलाते रहें बराबर। अभी देखिएगा ये बिल्कुल इकट्ठा होने लग जाएगी मटर, बस उसी स्टेज पे हम लोग निकाल लेंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल टाइट हो गई है, अब ये देखिए इकट्ठी होने लग गई है। बस इसको चलाते रहें थोड़ा थोड़ा। ये देखिए एक साथ, देखिए ये देखिए हो गई बस इकट्ठी। बस इसी स्टेज पे हम लोग गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया। ये देखिए बस अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक के लिए इसका आटा लगा देते हैं, और आटा मैं लगाऊंगी गेहूं से, गेहूं के आटे से लगाऊंगी। ये देखिए मैंने तेल चढ़ा दिया है इधर। जब तक तेल गर्म होगा मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी। कचौड़ियाँ बन रही हैं नाश्ते में, तो चाय तो बनती है भाई। चाय में बनाऊँगी कड़क, गर्मा गर्म चाय और कचौड़ियाँ, मटर की कचौड़ियों के साथ तो बहुत मज़ा ही आ जाएगा। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें वाकई में। इस तरह से अगर आप मटर की कचौड़ियाँ बनाएंगे तो बहुत यम लगने वाली हैं, और सब आपकी तारीफ़ करते करते थकेंगे ही नहीं। बहुत तारीफ़ें मिलने वाली हैं, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अदरक खौल गया है, अब मैं चाय में बाकी का सामान डाल दूंगी, थोड़ी सी चाय पत्ती और थोड़ी सी चीनी। अब यहाँ खौल रही है चाय। अब देख लेते हैं मटर का जो बैटर हम लोगों ने तैयार किया था वो ठंडा हुआ या नहीं। तो ये देखिए मटर का बैटर एकदम ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे बेसिक से मसाले जो हम लोग डेली में यूज़ करते हैं। अब थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाली है। आप ये ज़रूर याद रखें कि आपने पहले हरी मिर्च भी पीस के रखी हुई थी। किस हिसाब से आप मिर्च खाते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। इसमें डाल लिया है थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी खटाई और थोड़ा सा गरम मसाला। आप कैसा तीखा खाते हैं आप उस हिसाब से डालिएगा, और हल्की सी खटाई डालना बिल्कुल, उनमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हल्का सा खट्टा, हल्का सा तीखा, चटपटा सा बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा ये मैंने गरम मसाला डाला है। अब बस सब क्या करना है, मिक्स 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 फटाफट से कर लेंगे। चलिए अब ले लेते हैं थोड़ा सा गेहूं का आटा, और 1 चम्मच के करीब डाल देंगे इसमें घी, और इसको अच्छा सा एक डो लगा लेंगे, ना ज़्यादा टाइट ना थोड़ा सा लूज, मीडियम रखना है। और इसमें मोयन ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा ही मोयन डालिएगा, वरना जो ऑयल होता है ना सीखते टाइम ज़्यादा ऑब्जर्व करती है कचौड़ियाँ, और वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। हल्की सी अगर क्रिस्पी बनानी है तो हल्का मोयन रखें और हल्का सा नमक डाल दें। थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए ही आटा गूंदें, ज़्यादा एक साथ पानी ना डालें वरना या तो ज़्यादा लूज हो जाएगा और आटा डालना पड़ेगा। इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, ज़्यादा पानी ना डालें तो अच्छा डो लगकर तैयार होगा, बढ़िया गूंध भी जाएगा और अच्छा आटा लग के तैयार होगा। चाय अच्छी खोल कर रेडी हो चुकी है, तो चलिए इसको छान लेते हैं एक जग में। बार बार इसको गर्म ना करना पड़ा इसलिए मैं मिल्टन की जग में इसको छान कर रख रही हूँ। बस अब ये गर्म रहेगी और अब हम कचौड़ियों को भर लेते हैं। अब चाय को रख देते हैं एक साइड में, अब कचौड़ियों को भर लेते हैं। आटा मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है, अब कचौड़ियों को जल्दी जल्दी भर लेते हैं। ये देखिए आटा बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। अब इसमें थोड़ी सी मटर की फिलिंग डाल देंगे और इसको गोल गोल घुमाते हुए लोई को एक अच्छा सा अच्छी तरीके से भर लेंगे। ये देखिए गोल गोल तरीके से करके और आटे को एकदम बीच में सेंटर में करके दबा देंगे, हल्का सा परथन लगा के ये देखिए दबा देंगे। और बस इसको कुछ बेलने का भी बेलना भी नहीं है, बस हाथों से ऐसे ही दबाते दबाते, हल्का सा हाथों से दबाते दबाते और ये गोल कर लेंगे। बस आटे में भी नमक है और उसमें भी, तो ये बहुत ही अच्छी इवन लगेंगी। सारी कचौड़ियाँ मैंने भर कर तैयार कर ली हैं, चलिए अब इनको सेक लेते हैं। कचौड़ियाँ सिक कर बिल्कुल रेडी हैं, तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लगकर रेडी हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इन्हें तोड़ के और कितनी अच्छी लग रही है ये अंदर से। ये देखिए बराबर से भरा हुआ है, कहीं कम ज़्यादा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी बनी हुई है। चाय के साथ बहुत, अब जो बची हुई कचौड़ियाँ रह गई थी अब उन्हें भी सेक लेते हैं और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगी। हाँ।
आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।